हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक और नई कहानी, जिसमें एक बाघ और एक पंडित है। और आज की कहानी है बाघ और ब्राह्मण। किसी जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ की उम्र काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे शिकार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बढ़ती उम्र और शिकार न मिलने के कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन बाघ को जंगल में चमकती हुई चीज मिली, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मैंने पहले तो जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। बाघ उस चमकती हुई चीज को उठा लेता है और फिर उसे ध्यान से देखता है। अरे, ये तो सोना है। वाह, इतना चमक रहा है। इसकी चमक के आगे तो सूरज की रोशनी भी कम है। मैं इसे रख लेता हूँ, आगे चलकर ये मेरे काम आएगा। अगर किसी इंसान को इसका लालच दूंगा तो वह मेरे पास जरूर आएगा और मैं उसे मार दूंगा। कम से कम मेरे भोजन का इंतजाम तो हो जाएगा। वैसे भी इंसान काफी लालची होते हैं। बाघ सोने के कड़े को लेकर चल देता है कि तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। वह उस आहट को बड़े ही ध्यान से सुनता है और फिर उसी दिशा में चला जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। बाघ देखता है कि एक ब्राह्मण सामने से आ रहा है और फिर वह उस ब्राह्मण की ताक में झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण बाघ के सामने से गुजरता है तो बाघ उसे आवाज देता है। ठहरिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण रुकता है, वह चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह आगे चलने लगता है, तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। ठहरिए ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण फिर से रुक जाता है और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। ब्राह्मण बोलता है, भाई तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे आवाज लगा रहे हो? बाघ झाड़ियों से बाहर आता है और ब्राह्मण बाघ को देखकर डर जाता है। बाघ बोलता है, मैं एक बाघ हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे एक सोने का कड़ा मिला। क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे किसी और को देना चाहता हूँ। भला मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम तो एक जानवर हो और मुझे मार कर खा जाओगे। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे दांत टूट चुके हैं और नाखून भी घिस गए हैं। बाघ को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा हुआ था। उसके लिए बाघ के पास जाकर सोने का कड़ा लेना मौत को दावत देने के बराबर था। बाघ ब्राह्मण के मन की बात भांप जाता है और उसे लालच देते हुए बोलता है, अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है। लो ये कड़ा, तुम ले जाओ और इसे रख लो। कम से कम यह तुम्हारे काम तो आएगा। बाघ भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस कड़े को लेकर इतना परेशान क्यों हो। अगर ये तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम इसे फेंक दो। जिसको भी ये कड़ा मिलेगा वह इसे उठा लेगा। बाप मन ही मन सोचता है, ये तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान बहुत लालची होता है, लेकिन ये ब्राह्मण तो अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा। मैं इसे कैसे लालच दूं? अब तो शाम भी होने वाली है और भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। ऐसा सोचते हुए बाघ फिर से ब्राह्मण को झांसे में लाने की कोशिश करता है और कहता है, सुनो, ये असली सोने का कड़ा है। इसकी चमक के आगे सब फीका है। अगर तुम्हें नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मैं अपना और तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर बाघ
दिमाग वहाँ से चलने लगता है और सोचता है, इतना सब तो बोल दिया, ना जाने कब ये मेरे पास आएगा। इतनी देर तक तो इंतजार कर लिया, और कितना करूं? अगर ये मेरे पीछे पीछे आता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ और किसी और को ढूंढता हूँ, शायद कोई और ही मिल जाए। बात की तरह ब्राह्मण के मन में भी कुछ न कुछ बात चल रही थी। ब्राह्मण सोचता है, अगर इस बाप को मुझे बेवकूफ बनाकर खाना ही होता तो मुझ पर ये कब का हमला कर चुका होता। अब तक इसने हमला नहीं किया है, इसका मतलब ये सच बोल रहा है, मैं बेकार में ही इससे डर रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण बाघ की तरफ पढ़कर उस कड़े के लालच में उसके पास चला जाता है। जैसे ही वह बाघ के पास पहुँचता है, बाघ ब्राह्मण को मारकर खा जाता है और लालच के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।